श्री राम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हिंदू हैं, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन हैं, क्योंकि उनकी वजह से सही तरह के गुण फैल रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं। भौगोलिक दृष्टि से क्या वो अयोध्या में पैदा हुए थे? हाँ। क्या वो इस बिंदु पर पैदा हुए थे? क्या आप खुद जानते हैं कि आप किस बिंदु पर पैदा हुए थे? हेलो, 6000 साल पुराने इंसान की बात भूल जाइए, आप तो अभी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ ने आपको ठीक किस बिंदु पर जन्म दिया था? मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई जानता है? No, so it's ridiculous argument. नहीं, तो ये हास्यास्पद तर्क है। राम, उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में मत देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूँ। हेलो, क्या उन्होंने कभी ये कहा मैं हिंदू हूँ? वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और न्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी गए, उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें। अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कष्ट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ये याद रखें। राम नेवर क्लेम्ड ही इज अ हिंदू। राम ने कभी नहीं कहा वो हिंदू हैं, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है। हर किसी को इन्हें एक ऊंचा आइकॉन मानना चाहिए, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं। और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदु बन गया, जिस पर इन 6000 सालों में ये सभ्यता बनी। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे। सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्यायपूर्ण राज्य का मतलब राम राज्य। आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्यायपूर्ण और उचित राज्य, ना कि शोषण वाला राज्य और ना ही तानाशाही वाला राज्य। और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि ये न्यायपूर्ण और उचित राज्य हो यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए, ना कि तानाशाही वाला राज्य। तो उसके लिए आपको राम की जरूरत है।